अपने समर्थक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट इकाई ने जिला अध्यक्ष विपिन महाजन की अध्यक्षता में सड़क जाम कर धरना लगाया। इस धरने में सुजानपुर के विधायक दिनेश बब्बू, पठानकोट के पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, भोआ की पूर्व विधायक सीमा देवी, पूर्व मंत्री मास्टर मोहनलाल, मेयर अनिल वासुदेवा सहित कई पार्षद एवं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपाइयों के इस रोष धरने के कारण कई लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी और लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट। यहाँ पे सभी लोगों का रास्ता रोक दिया, एम्बुलेंस भी जारी रुकी है, बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं, ये वाला रास्ता बंद है। बताइए हम क्या करें, अब बताइए हमारी क्या गलती है? अगर वहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है तो कोई भी प्रोटेक्शन हो रहा है, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट राइट। आई थिंक दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली। आई नीड टू गो एंड पिक अप माय ब्रदर, आई नीड टू गो एंड पिक अप माय किड्स देयर। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने और मौजूदा विधायक कांग्रेस के मौजूदा विधायक ने एक नमी परंपरा और लोकतांत्रिक अधिकार जो इस देश के संविधान ने सानू दिता है कि इस देश का कोई भी नागरिक पंच को लैके देश के एमपी तक का चुनाव लड़ सकता है, उस अधिकार तो कांग्रेस ने मांझा किया। कांग्रेस के बहरे करना तक, सरकार के बहरे करना तक, इतों के लोकतंत्र की नाकी करने वाले जो संविधानिक पदों पर बैठे हुए लोग है जिन्हों के जुम्मे इस चुनाव को निष्पक्ष करवाना सी, जब वही कांग्रेस के हाथी कठपुतली बन गया तो देश के संविधान द्वारा मिले हुए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए असी सारे मास्टर जी, गणेश जी, मैं और सीमा, मेयर साहब, जिला अध्यक्ष जी, पार्टी के मेरे अध्यक्ष, एम सी, पंच, सरपंच, पुराने सब धरने से बैठे ताकि ये देश के अंदर सरकार आनी जानी, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, देश के अंदर जो मौलिक अधिकार सानू मिले ने तो कोई भी सरकार बंज नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस क्योंकि अपना जड़ा आधार खो चुकी है, क्योंकि सरकार ने 18 महीनों से कोई भी अपने वादे पूरे नहीं किए, इस करके जनता को फेस नहीं कर सकती थी, तो फिर इन्हों पंचायती चुनावों का ढोंग रचन का की जरूरत है? आपे नॉमिनेशन कर ले। लेकिन इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार नहीं दिता जा सकता, लोगों के मौलिक अधिकारों को हाईजैक नहीं कर दिता जा सकता। बीजेपी एक जीवंत पार्टी है, वो नहीं तय करता सी।